हमारे भारत में 51 शक्ति पीठास है। सारे मंदिरों अपनी कुछ विशेषता के कारण काफी लोकप्रिय है। जैसे कि आज हम कामाख्या टेम्पल के बारे में जानेंगे, जिसे कमरूप भी कहते हैं। ये टेम्पल नीलाचल हिल पे बनाया गया है, जो आसाम के गुवाहाटी सिटी में लोकेटेड है। किसी भी टेम्पल में शांति का माहौल होता है, पर ये टेम्पल पहाड़ पे होने के कारण इसके आजू बाजू का कुदरती नजारा मन मोह लेता है। भक्तों ने कामाख्या देवी की पूजा करने के लिए इस मंदिर को बनाया था। ऐसा कहते हैं कि ये जगह भगवान की पूजा करने के सिवा काला जादू करने के लिए भी काफी लोकप्रिय है। ऐसा भी कह सकते हैं कि काले जादू की शुरुआत यहाँ से ही हुई है, क्योंकि इस मंदिर का पुराना हिस्ट्री देखेंगे तो काफी ऐसे प्रूफ मिलते हैं जिससे काला जादू का पता चलता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस मंदिर में काले जादू की शुरुआत कैसी हुई और इसमें कौन से रिचुअल्स फॉलो की जाती हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल आज का ही गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस मंदिर के साथ कई इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर की पत्नी सती को उसके पिता ने यज्ञ में बुलाया था, लेकिन उसे अपने पति से परवानगी नहीं मिली, जिस कारण सती ने अपने पति से झगड़ा किया। उसके बाद वो यज्ञ में जा सकी, लेकिन ये बात सती के पिता को पसंद नहीं आई, जिस कारण उन्होंने भगवान शंकर का अपमान किया। सती को अपने पति का अपमान बर्दाश्त ना होने के कारण उसने अपने आप को आग में जला लिया। उसके बाद भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को उठा के क्रोध में तांडव किया। ऐसा कई बार सुना होगा कि भगवान शिव के तांडव से सृष्टि में विनाश होता है, तो इस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने चक्र के इस्तेमाल से सती का शरीर 108 पार्ट में काट दिया। तब सती के शरीर के कुछ पार्ट्स इस मंदिर में गिरे, जिस कारण ये मंदिर स्त्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये कहानी इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। तो अब जानते हैं कि यहाँ पे काला जादू करने के लिए कौन से रिचुअल्स मनाए जाते हैं। ज्यादातर इस मंदिर में काला जादू या तांत्रिक पूजा नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए की जाती है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग रिचुअल्स किए जाते हैं और ये रिचुअल्स मंदिर के लोगों द्वारा ही किए जाते हैं। इस मंदिर में काला जादू पूजा के दौरान गोट बफेलो जैसे जानवर को सेक्रीफाइस किया जाता है, लेकिन इस मंदिर में फीमेल एनिमल सेक्रीफाइस करना स्ट्रिक्टली मना है। इस जगह पे अंबुबाची नाम का मेला होता है, जिसमें काफी तांत्रिक आते हैं और ये तांत्रिक देवी कामाख्या के पास लोगों के लिए पूजा करते हैं। तो ये थी कामाख्या टेम्पल से जुड़ी कुछ बातें और कहानियाँ। वैसे तो काला जादू करना बुरा माना जाता है, पर इस मंदिर में लोगों के नेगेटिव थॉट्स दूर करने के लिए और लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये पूजा की जाती है। इसके सिवा लोग देवी कामाख्या का आशीर्वाद लेने भी आते हैं। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।